अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज HD। मैं हूं नादिया अनवर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। क्यों दूं इस्तीफा, तुम होते कौन हो? इसाफ डार का मुखालफीन को करारा जवाब, कहा इमरान खान अफलातून को ले आए और मनाजरा कर लें। IMF से मुहायदा हतमी मराहिल में है, गैर जिम्मेदाराना बयानात से ग्रेस करें। माशी इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं, 30 जून तक जरे मुबादला के जखायर $10 अरब हो जाएंगे। मईशत बिगाड़ने वालों के खिलाफ कमीशन बनाने का भी मुतालबा। मरियम नवाज चला रही थी, गुजरांवाला वालों, ये ट्रक किस मुल्क को लेकर बैठ गया है? इंशाल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। गुजरांवाला में नून लीग का वर्कर कन्वेंशन से मरियम नवाज के बाहर, कहा ट्रक के चारों टायर पंचर करके छोड़ेगा। अदालत लाडले को बुलाती है तो वो प्लास्टर दिखा देता है। चोर डाकू के हाथ जराइम में रंगे हैं। जो कहता है नौजवान नून लीग के साथ नहीं, वो ये कन्वेंशन देख ले। फवाद चौधरी और परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर भी तनकीद की। पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीख तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को तारीखें तजवीज़ कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का मौजूदा इंतखाबी शेड्यूल तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर KPK को तारीख पर जवाब के लिए खत लिख दिया। मुस्तकबिल के मेमारों में मंशियात का जहर घोला जाने लगा। मुल्क भर में नशे के आदि अफराद में 45% नौजवान शामिल। 2 माह के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर से 20 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। तालीमी इदारों को महफूज बनाने के लिए कानून साजी ना हो सकी। गैंगस्टर बनने के शौकीन मनचले कानून की गिरफ्त में आने लगे। 102 के नाम से ग्रोह का सरगना कराची से धर लिया गया। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो ली। फवाद चौधरी को अपने भाई फैसल चौधरी से बात करते सुना जा सकता है। फवाद चौधरी जिसमें कह रहे हैं, इनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, ज़ादी तजवीज है, तार पर 3-4 जगह अस्तगासा कराएं, अता पर 228 लगवा कर सजा दिलवाएं, ताकि इन पर प्रेशर तो आए। जिसपे फवाद चौधरी का ट्वीट, एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है, इस ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। ATC में इमरान खान की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद का जिक्र। वजीर आला सैन मुराद अली शाह की गुफ्तगु, उन्होंने कहा मुल्क का दुश्मन हमारा दुश्मन है, उनका मुकाबला करेंगे। एक शख्स कहता था IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो शख्स जाते जाते IMF से मुहायदा तोड़ गया। शराइत सख्त इसलिए हैं कि पहले इन पर अमल नहीं किया गया। मरियम नवाज ने 2 तस्वीर लगाकर ट्वीट किया, पाकिस्तान ट्रक इंसाफ। अतातार कहते हैं, क्या ट्रक पैसों का कोड है, ये क्या हो रहा है? फवाद चौधरी के जरिए पैगाम रसाई कराई जा रही है। एक लाडला अदालतों को डिक्टेट और दूसरा जत्थे लाता है। लाडले को कितनी बार फर्दे जुर्म से बचाया जाएगा? नवाज शरीफ को तो तारीख नहीं मिलती थी, ये लोग मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। पेशी पर आते हैं अपने और अपने साथ गुंडे लाते हैं। अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अदालत में इमरान खान की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद का जिक्र। जज राजा जवाद ने कहा, पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं किया गया, अब तो सियासी दहशत गर्दी भी होना शुरू हो गई है। मेरे पास तमाम CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। हज अखराजात डॉलर में जमा कराने पर कुरानदाजी से अस्तस्ना। डॉलर जमा करवाने वालों का कोटा 50% करने का फैसला। हज पॉलिसी अगले हफ्ते वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने की तरदीद का मुनसब असर। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, 7.59 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 277.50 रुपए पर ट्रेड।
यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। दूध, चाय, क्रीम, जूसेस महंगे हो गए। 3 लीटर दूध की कीमत में 30 रुपए का इजाफा। 900 ग्राम चाय का पैकेट 250 रुपए तक महंगा हो गया। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि इमरान खान के वारंट अमरीका का मसला नहीं, आईनी और कानूनी असूलों की हिमायत करते रहेंगे। अफगान महाजरीन के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान से रब्ते में है। नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को जिस तरह बढ़ रफ्तारी से इंसाफ मिल रहा है, 2017 में हमें इसका आधा भी मिल जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज़ HD।